रविवार के दिन शिमला घूमने आए हरियाणा के 5 युवकों को यहां आना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जिला सोलन के कंडाघाट में गाड़ी अनियंत्रित होकर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें करीब 5 लोग जो कि हरियाणा के रहने वाले थे मौके पर ही मौत हो गई। जिला सोलन के कंडाघाट में डेड घराट के समीप एक हरियाणा नंबर की कार अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। कार में 5 ही लोग सवार थे। ये 5ों हरियाणा के रहने वाले थे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना का तब पता चला जब सुबह के समय जब एक औरत जंगल में घास काटने के लिए गई तो उसने एक गाड़ी पलटी हुई देखी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचित किया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शनिवार को शिमला के लिए घर से निकले थे। मामले की पुष्टि एएसपी अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि जैसे ही पुलिस को हादसे की सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। सोलन में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय अभ्यास पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला सभागार में किया जा रहा है, जिसमें महासंघ के 25 प्रदेशों में से 20 राज्यों की करीब 50 महिलाएं भाग ले रही हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास वर्ग शिविर में महासंघ के विभिन्न वक्ताओं द्वारा उपस्थित प्रशिक्षुओं को आंगनबाड़ियों में कार्य करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं ने भी अपनी अपनी समस्याओं को वक्ताओं के सामने रखा और उनका समाधान के बारे में भी जाना। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की महामंत्री अंजलि पटेल ने मीडिया से बात करते हुए अभ्यास शिविर की अधिक जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में महासंघ द्वारा महिलाओं के लिए अभ्यास वर्ग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के करीब 20 प्रदेशों की 50 महिलाएं भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यास शिविर के दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारी की विभिन्न मांगों को लेकर भी चर्चा की गई और वेतन वृद्धि को लेकर भी मंथन किया गया। महामंत्री अंजलि पटेल ने बताया कि अभ्यास शिविर संपन्न होने के पश्चात महासंघ विभिन्न मांगों को लेकर आगामी रणनीति तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 3 जनवरी को देश के प्रत्येक प्रदेश के जिलाधीश के माध्यम से महासंघ की महिलाओं द्वारा विभिन्न मांगों को पूर्ण करने के लिए महामंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि महासंघ की उक्त मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने के लिए महिलाएं बाध्य होंगी। जिला खेल विभाग द्वारा सोलन में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते सोलन के खेल प्रेमियों को आज जगी थी कि जल्द ही खिलाड़ियों को इंडोर स्टेडियम मिल जाएगा। लेकिन गौरतलब है कि इस घोषणा को भी कई महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक इंडोर स्टेडियम का नीम पत्थर तक नहीं रखा गया है। यही कारण है कि सोलन के खिलाड़ी बेहद हताश हैं। उनकी मांग है कि जल्द ही सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है, उन्हें वे सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकें। खिलाड़ियों ने इस मौके पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सोलन में केवल एक ही मैदान है जिसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यही नहीं, इस मैदान में सभी खेल एक साथ खेले जाते हैं, जिसकी वजह से वे अच्छी तरह से अपने खेल का अभ्यास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर इंडोर स्टेडियम बन जाता है तो ज्यादातर खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिल जाएगी और वे अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए अच्छा अभ्यास कर पाएंगे।